तुलसी के साहित्य में सामाजिक संचेतना की अभिव्यक्ति है। तुलसीदास का इतना महान साहित्यकार बनना अपने आप में किसी प्रचंड चमत्कार से कम नहीं है। जो व्यक्ति बचपन में ही अनाथ हो गया, दरिद्र होने के कारण भटकता रहा, समाज व धर्म के ठेकेदारों से जो निरंतर लांछित तथा प्रताड़ित रहा, वह व्यक्ति इतने महान पद तक कैसे पहुंचा, इसी में तुलसी की श्रेष्ठता छिपी हुई है। आज समस्त उत्तर भारत के लोगों के मन और मस्तिष्क में तुलसीदास और उनकी अमरकृति रामचरितमानस का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भक्ति और उपासना के क्षेत्र में रामचरितमानस पांचवें वेद के समान पूजनीय है। महलों से लेकर कुटियाओं तक में मानस की पैठ है। अनपढ़ से लेकर शास्त्रों के व्याख्याता तक सभी के लिए मानस संजीवनी का काम कर रहा है। तुलसी अपने युग को नई दिशा देने वाले सच्चे मार्गदर्शक थे। समाज के प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने अनुपयोगी परंपराओं, प्रथाओं, मान्यताओं और रीति रिवाजों को नकारा तथा समाज के लिए नवदिक हेतु मार्ग प्रशस्त किए। साथ ही तुलसी ने विभिन्न पुराणों व निगमागमों का अध्ययन करके उनके सार को अपने सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ रामचरितमानस में प्रस्तुत किया। तुलसी के समय में धर्म के क्षेत्र में अराजकता और क्षुति विरोधी पंथों का मनमाना फैलाव हो रहा था। उनके पीछे धर्म छिपा सा रह गया। विभिन्न धार्मिक संप्रदाय परस्पर लड़ते थे। तुलसी ने योग मार्ग की उपेक्षा कर श्री राम की आराधना पर बल दिया। तुलसी ने विभिन्न पुराणों आदि की बात कहते हुए भी लोक धर्म की उपेक्षा नहीं की। वे सारे संसार को सीता तथा राम की छवि से ही आच्छादित मानते थे। तुलसी के समय का समाज आदर्शहीन, संस्कृत रहित, पथभ्रष्ट, मर्यादा से पतित तथा ह्रासोन्मुख था। ऐसे में तुलसी ने रामराज्य की कल्पना द्वारा आदर्श समाज का स्वरूप उपस्थित किया। उन्होंने युगीन आवश्यकताओं के संदर्भ में वर्णाश्रम व्यवस्था का प्रबल समर्थन किया था। तुलसी के लिए काव्य साधन है और राम भक्ति साध्य है। इस साध्य की प्राप्ति के लिए जिस साधन को अपनाया है उसमें व्यक्ति तथा समाज दोनों हैं। यद्यपि वे काव्य रचना स्वांथाय सुखाय कहते हैं, किंतु यह स्वांथाय सुखाय समाज सुखाय बन जाता है। भक्ति तथा साहित्य के क्षेत्र में तुलसी समाज कल्याणकारी तथा समाज मार्गदर्शक के रूप में उभर कर आते हैं। तुलसी कवि, भक्ति भक्त, पंडित, समाज सुधारक, लोकनायक तथा भविष्य दृष्टा के अपने रूपों में समान रूप से उत्कृष्ट थे। इसी कारण उनका रचा काव्य समूचे उत्तर भारत का सदियों से मार्गदर्शन करता आ रहा है। तुलसी ने समाज के लिए जो मार्ग सुझाए वे निश्चित रूप से युगांतकारी हैं। उनके सामने समाज की रीतियों और परंपराओं का एक निश्चित आदर्श था। इसके साथ ही उन्होंने व्यक्ति के लिए भी कुछ आदर्श निश्चित कर रखे थे, जिससे समाज और भक्ति लोक के लिए कल्याणकारी हो सके।